नमस्कार, मैं कनिष्क दुबे और आप देख रहे हैं बुलंद हिंदुस्तान। नारायणपुर जिले से लगातार सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लापरवाही की खबरें सामने आ रही हैं। मामला नारायणपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम उड़ीद गांव एवं बोरावन के पोस्ट ऑफिस का है, जहां डाकिये के पद पर पदस्थ हरीश साहू अक्सर ड्यूटी से नदारद पाए जाने के चलते ग्रामीणों को शासन प्रशासन एवं डाक विभाग की सुविधाएं उचित समय पर नहीं मिल पा रही है। डाकिये की लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों में पोस्टमैन के प्रति खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं इस पर बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। मीडिया द्वारा पड़ताल किए जाने पर मालूम पड़ा कि डाकिया वर्तमान समय पर भी कार्य पर मौजूद नहीं है और पिछले कई दिनों से काम पर नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि डाकिया कई महीने में कभी कभी ही आता है। ग्रामीणों को डाक कर्मचारियों का नाम तक नहीं पता। सर, पोस्टमैन का भी बुरांड हो गया है, तो उसका मेरे को जानकारी नहीं है। और सप्ताह में ऐसा कभी आता है कभी नहीं आता है, तो हमको पता नहीं, उसका नाम भी मालूम नहीं मेरे। डाकिया किसी भी शासकीय योजना के बारे में ग्रामीणों को जानकारी नहीं देता है। यहाँ तक कि किसी एक भी ग्रामीण को सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। लोग आते नहीं है ना, कुछ जानकारी हमको, वो पोस्ट ऑफिस के बारे में हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत 10 साल तक की बालिकाओं का खाता खोला जाना है, जिसमें बालिकाओं को 18 वर्ष पूर्ण की आयु में एक निश्चित राशि प्रदान की जाएगी। डाकिया के नदारद रहने के चलते सुकन्या समृद्धि योजना का जमीनी स्तर पर कोई भी नामो निशान नहीं है। अब तक एक सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खोला गया है। संबंधित डाक कर्मचारी ने यह खुद कबूल किया कि वह कभी कभी ही ड्यूटी पर जाता है एवं वर्तमान में ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला गया है। हरीश साहू नाम के कोई शाखा डाकपाल है, वो इस प्रभार में है, नहीं जा रहे, उनकी जानकारी मेरे को नहीं है। अब बता दीजिए तो मैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करता हूँ, पता करता हूँ। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती मुझे उस क्षेत्र से। तो ये थी नारायणपुर जिले से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।